नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में। दोस्तों, अगर आप भी एक 7 सीटर कार ढूंढ रहे हैं और आपका बजट इनोवा वाला नहीं है या आपका बजट थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो आपके लिए ये एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन साबित हो सकता है। ये है एक 7 सीटर और ये है रेनो की ट्राइबर। तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या पॉजिटिव्स हैं इसके, क्या क्या नेगेटिव्स हैं, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और कितनी सही चॉइस रहेगी आपके लिए ये गाड़ी, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं रेनो ट्राइबर के बारे में सब कुछ। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी के इंजन से। तो इसमें आपको एक 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है जो कि आपको 3 सिलेंडर्स के साथ आता है। इसके पावर आउटपुट की बात करूं तो इसमें आपको 72 PS का पावर मिलता है और 96 Nm का टॉर्क मिलता है। दोस्तों, अगर गाड़ी को आप साइड से देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको देख के, क्योंकि इसकी लेंथ जो है 4 मीटर के अंदर अंदर ही है। तो आप देख सकते हैं कि ये 7 सीटर भी है और इसकी लेंथ भी 4 मीटर के अंदर ही अंदर है, मतलब आपको ज़्यादा रजिस्ट्रेशन पे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसके टायर साइज़ की। यहाँ पे आपको 15 इंचेस के टायर ऑफर किए गए हैं और आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको 186 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी कह सकते हैं आप एक MPV के हिसाब से। और पीछे आप देख सकते हैं आपको ड्रम ब्रेक ऑफर किए गए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ड्यूल टोन कलर है और एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इसका रूफ थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया है यहाँ पे पीछे आते आते, ताकि आपके सेकेंड रो और थर्ड रो के पैसेंजर्स को ज़्यादा हेडरूम मिल सके। अब दिखाता हूँ आपको इसका बूट स्पेस, जो कि है सेगमेंट में सबसे बड़ा। दोस्तों, ट्राइबर के अगर बूट को मैं दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे आपके पास इतना सा स्पेस मिलता है, मतलब ये 84 लीटर्स का स्पेस है मेरी ख्याल से। एंड जब आप इन सीट्स को फोल्ड कर देंगे तो आपके पास सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बूट स्पेस हो जाता है, जो कि है 625 लीटर का। एंड थर्ड रो में आपको सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऑफर किए हैं। एंड ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि ये सीट्स निकल भी जाती हैं, मतलब आपको अगर कहीं पे जाना है अपनी सीट्स को निकाल के घर पे रख दीजिए। अपने अनुसार आप इस गाड़ी को उतना सीटर बना सकते हैं जितने पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैठने वाले हैं। आप इसकी सेकेंड रो को भी फोल्ड कर सकते हैं, आगे से आपको दिखाता हूँ मैं कैसे वो आप गिरा सकते हैं, और आप सिर्फ इस सीट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फीचर्स के मामले में तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, रेनो ने जब ये गाड़ी लॉन्च की तो काफ़ी ज़्यादा वक्त से आगे थी ये गाड़ी। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि सेकेंड रो में भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, तो आपकी ये सीट तो आप पूरी तरीके से ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, और ये जो सीट है आप इसको इतना ही रिक्लाइन कर सकते हैं और इसको आप ऐसे आगे पीछे भी अपने अनुसार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ इस रेनो की ट्राइबर की फ्रंट रो में और अब चलते हैं लेके आपको राइड पे इसकी, और वहाँ पे सब कुछ बताऊँगा इस गाड़ी के बारे में बाकी सारी चीज़ें। तो दोस्तों, अभी मैं चलाना शुरू कर चुका हूँ रेनो की ट्राइबर, और इसमें मैंने जैसे पहले बताया था आपको 1000 cc का इंजन आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंजन की। तो बाकी अगर मैं रेव वगैरह रेस और इसकी बात करूँ हॉर्स पावर और टॉर्क की, तो वहाँ पे आप जो नंबर्स देखते हैं वैसा कुछ ही आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस में मिलेगा। मतलब आपको ये गाड़ी 7 सीटर तो है, पर उस तरह का वो जो एंथुजियाज़म होता है इंजन से मिलता है आपको, वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को शायद ना मिले। वहाँ पे आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं। एंड मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स लेता है, मतलब उतना क्विक रिस्पॉन्स नहीं है उसका, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे। बस क्या होता है कि जैसे ही आप इसको, अब जैसे मैं AMT चला रहा हूँ, तो क्या होता है कि आप रेस दे रहे होते हैं और आपको प्रॉपरली पता चलता है कि हाँ, आपकी गाड़ी अब गियर शिफ्ट हुई, मतलब आपको RPM की वो जो नॉइस होती है, जो वो गुर्राहट होती है इंजन में जब वो RPM बढ़ता है, तो वो चीज़ आपको कैबिन में आके नॉइस आती है वो सुनाई देता है आपको प्रॉपरली। एंड एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसको अगर आपको गाड़ी को सही तरीके से चलाना है, तो मैं बताऊँगा जो आप अगर इसको थोड़ा सा, मतलब AMT में आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके चलाएं, अपने हिसाब से गियर्स वगैरह डालें, तो आपको ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा, बजाय आप जब इसको AMT वाले उस पर चलाएंगे ऑटोमेटिकली, जब गाड़ी अपने आप ही गियर शिफ्ट कर रही होगी। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब आप इसको चलाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटोमेटिकली जब गाड़ी चल रही हो तो उसी हिसाब से चलने दें, अपना मैन्युअली उस टाइम पे ना एडजस्ट करें, क्योंकि वही है फिर आपको AMT लेने का फ़ायदा क्या होगा उससे। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा जैसे हाईवे वगैरह पे निकलते हैं अगर इसको लेके और ओवरटेकिंग वगैरह करनी है, तो वहाँ पे ये आप मैन्युअली अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो कैबिन नॉइस है वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है, जब भी आप
मोड़ेंगे या फिर आपको मतलब एकदम से पावर चाहिए होगा तब वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी ओवरऑल गाड़ी का रिस्पांस अच्छा है। बाकी टर्निंग रेडियस वगैरह में आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, और जैसे आपको दूसरी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा घुमानी पड़ती हैं, ये गाड़ी उतनी ज़्यादा आपको नहीं घुमानी पड़ेगी। ये काफ़ी कम रेडियस में घूम जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, ये सब 4 मीटर में आ जाती है, तो ये 4 मीटर से कम की गाड़ी है, तो आराम से ये एक बार में ही घूम जाती है, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने पड़ते हैं यहाँ पे। बाकी मैं अगर ओवरऑल विजिबिलिटी की बात करूँ तो इस गाड़ी में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको प्रॉपर यहाँ पे विजिबिलिटी आती है। ए पिलर भी उतनी दिक्कत नहीं करता है, और अब जैसे मेरी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो मेरा बिल्कुल एज आ रहा है विंडशील्ड का यहाँ पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, मतलब आप आई टू आई कॉन्टेक्ट रखते हो यहाँ पे रोड पे बिल्कुल। थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है आपके पास ऊपर, वरना अगर और ज़्यादा लंबा व्यक्ति बैठेगा तो थोड़ी सी मेरे को लगता है प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसमें आप अपनी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट कर सकते हैं। IRVM की बात करूँ तो IRVM भी आपको विजिबिलिटी में कहीं डिस्टर्ब नहीं करता है, वो भी आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी देता है। एंड बाकी मैं बात करूँ तो इसके जो मिरर्स हैं, जो IRVM है ORVM है, वो थोड़े से साइज़ में मुझे छोटे लग रहे हैं। एंड बाकी ओवरऑल गाड़ी काफ़ी बढ़िया है। बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी ब्रेकिंग वगैरह यहाँ पे डिसेंट है, मतलब आप एकदम से अगर चाहेंगे कि एकदम से ब्रेकिंग वगैरह लगा दें आप, तो यहाँ पे वो चीज़ आप आराम से महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल गाड़ी एकदम स्टेबिलिटी से रुक जाती है, कहीं पे भी कुछ ऐसा महसूस नहीं होता कि लेट रिस्पॉन्स है ब्रेक्स का, तो वो चीज़ कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे इस गाड़ी में अच्छी है। हालाँकि कैबिन नॉइस थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करती रहेगी बीच बीच में, जब भी आप रेव करेंगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो प्रॉपरली मुझे पता चल रहा है कि हाँ RPM अब बढ़ रहा है, अब घट रहा है, एंड मेरा गियर शिफ्ट जो हो रहा है वो भी मुझे पता चल रहा है कि हाँ अब अगले गियर में चली गई है, तो वो चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे और फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है रेनो को। बाकी अपने वक्त के हिसाब से ये गाड़ी थोड़ी सी आगे थी, मतलब जैसे कि इसमें आप रिमूवेबल 7 सीट्स मिलती हैं इसमें आपको, तो आप अपने हिसाब से इसमें मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो सीट्स रख सकते हैं, वरना आप निकाल के उसकी बूट स्पेस काफ़ी अच्छी बढ़ा सकते हैं। एंड अलग अलग तरीके के ऑप्शंस दिए हैं, मतलब आपकी जो सेकंड रो में भी आपको 40-60 का यहाँ पे स्प्लिट दिया है, तो वो चीज़ें यहाँ पे अलग से पता चलती हैं कि उस टाइम पे जब ये 2019 में गाड़ी लॉन्च हुई थी तो कहीं ना कहीं ये स्टैंड आउट करती थी अपने और कॉम्पिटिटर्स से। एंड एक चीज़ कि अगर आपका बजट उतना नहीं है तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली कार है, अगर आपका परिवार बड़ा है या आप ज़्यादा लॉन्ग रन पे जाते हैं या फिर आपका टैक्सी वगैरह का कोई कमर्शियल व्हीकल के तरह से इसको देख रहे हैं, तो ये गाड़ी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। हालांकि यहाँ पे आपको कोई भी टेक वाली वाइब नहीं आएगी जैसा आजकल की गाड़ियाँ होती हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल डिसेंट सा आपका MID है, और यहाँ पे आपको जो कंट्रोल्स हैं वो अच्छा है, AC का थ्रो अच्छा है। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं वो नॉर्मल USB पोर्ट है, और यहाँ पे एक ऑक्स केबल लग सकती है, एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता है। बाकी अगर MID वगैरह की बात करूँ तो MID वगैरह आपकी ट्रेडिशनल जैसी होती है वही है, थोड़ा सा डिजिटल एलिमेंट्स का भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे आपका प्रॉपर स्पीड वगैरह डिजिटल ही दिखती है आपको, बाकी इंडिकेटर्स हैं तमाम यहाँ पे आपको, और आपका इधर आपको टैकोमीटर है, आपका इंजन का टेम्परेचर है यहाँ पे, और साथ ही साथ आपका फ्यूल इंडिकेटर्स भी यहीं पे हैं। बाकी अगर आपको इसको लॉक अनलॉक करना है तो आप यहाँ पे उस चीज़ को नहीं खोजेंगे, आपको वो सेंटर में दिया गया है हैजार्ड लैंप्स के स्विच के पास। एंड बाकी गाड़ी का साउंड सिस्टम वगैरह भी अच्छा है। एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ है अच्छी कि जैसे इनोवा में आपको मतलब वो भी एक 7-सीटर 8-सीटर कार है, जैसे वहाँ पे आपको ड्यूल ग्लो बॉक्स मिलता है तो यहाँ पे भी आपको ड्यूल ग्लो बॉक्स मिलता है। एंड एक चीज़ के आपको जो सेकंड रो है मतलब वहाँ पे भी आपको AC वेंट्स है, और थर्ड रो में भी आपको AC वेंट्स है, तो प्रॉपर ये अच्छी खासी एक फैमिली कार बन जाती है अगर आप इसको खरीदने की सोच रहे हैं, तो अच्छा ऑप्शन साबित होता है, एक बजट कार आप कह सकते हैं इसको, अफोर्डेबल बजट में आपको एक 7-सीटर या आप कह सकते हैं 8-सीटर गाड़ी मिल सकती है। हालांकि जो थर्ड रो है उसमें भी मैं बैठा और मतलब मेरे साथी ड्राइव कर रहे थे, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि वो थर्ड रो अडल्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, वो अगर बच्चे ही बैठे वहाँ पे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। हालांकि सेफ्टी के लिहाज से वहाँ पे भी आपको सीट बेल्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। बाकी अगर सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ तो सस्पेंशन वगैरह जो है इसके थोड़े से स्टिफर साइड पे रखे गए हैं, ताकि अब जब ये 7-सीटर है तो उस हिसाब से इसके सस्पेंशन ट्यून किए हैं, और जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून किए हैं। इस चीज़ में मैं बताना चाहूँगा आपको कि सस्पेंशन वगैरह में आपको ज़्यादा जर्क नहीं महसूस होता, जब भी आपको कोई गड्ढे वगैरह आएंगे तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैंने इस गाड़ी में ऑब्जर्व किया।
सस्पेंशन को लेके। तो दोस्तों अभी मेरे साथी हैं मोहित, और मैं इनका फीडबैक जानना चाहूंगा कि इनको सेकंड रो में बैठ के कैसा लग रहा है। तो मोहित जी कैसा है फीडबैक सेकंड रो का? सेकंड रो काफी अच्छी है वैसे, क्योंकि मेरे को हेडरूम तो अच्छा खासा मिल ही रहा है, थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है। पहली बार मैंने देखा थाई सपोर्ट, अच्छा लगा मेरे को, काफी थाई सपोर्ट है मेरी हाइट के हिसाब से, और लेग स्पेस नी स्पेस जिसे कहते हैं वो काफी अच्छा है। लेग रूम भी है, और हेडरूम कैसा है? हेडरूम काफी अच्छा है मेरे हिसाब, मेरी हाइट के हिसाब से तो हेडरूम काफी अच्छा है। और मतलब सस्पेंशन वगैरह का कैसा फीडबैक है आप सेकंड रो में बैठे हो तो? सस्पेंशन तो ठीक है, मतलब इतना कुछ पता नहीं लग रहा, थोड़ा नॉइज है बाकी सस्पेंशन अच्छा है। केबिन नॉइज है, मतलब इंजन वाली नॉइज है? इंजन वाली नॉइज है, बाकी सस्पेंशन अच्छा है, इतना पता नहीं लगता जी। और एसी वेंट्स सबसे अच्छी चीज जो रियर में आपके सेकंड रो में एसी वेंट्स हैं, एसी वेंट्स काफी अच्छे लगे मेरे को। और एसी आप इस गाड़ी में यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्विच दिया है कि सेकंड रो के एसीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कंक्लूजन की कि आखिरकार रेनो की ये ट्राइबर किन लोगों के लिए बनी है और किन लोगों को इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपका बजट इनोवा लेने का नहीं है और आप एक 7-सीटर ही गाड़ी चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। आपका अगर परिवार बड़ा है तो भी एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग पे जाते हैं और आपको सामान रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस चाहिए आपके परिवार के लिहाज से, तो इसमें आपको सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। और इसको अगर खरीदना है तो अब कितना पैसा देना पड़ेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका जो बेस वेरिएंट है उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6,33,000 तक का, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है वहाँ तक इसका जो प्राइसिंग जाता है वो है 8,97,000 रुपये का। तो आपको रेनो की ये ट्राइबर गाड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।